पीयूष गोयल 2019 के बजट कल संसद में पढ़कर सुनाने वाले हैं। तो चलिए आपको बजट से जुड़े अजीब तथ्यों के बारे में बताते हैं। बजट या बोगट दरअसल फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है लेदर बैग। एक पुरानी परंपरा के कारण वित्त मंत्री एक लेदर ब्रीफकेस के साथ संसद आते हैं। संसद में दिए जाने वाले बजट भाषण काफी लंबे हो सकते हैं और बजट के लंबे भाषण के लिए 2003 के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी भाषण दी है। क्या आप इतनी देर तक भाषण सुन सकते हैं? वैसे एक अनोखा रिकॉर्ड तो पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी पेश किया है। उन्होंने अपने लंबे भाषण में कुल 18,650 शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतने शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी नहीं बोले होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भारत का बजट प्रस्तुत किया था, जिसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बजट के कारण 500 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा जो हुआ था। वित्त मंत्री भी इतने बजट नहीं लिख पाते जितना पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लिखे, पूरे 10। उस दौरान तो लगता है नेताओं का आधा समय संसद में बीतता होगा। वैसे मंत्रालय के कर्मचारी गोपनीय तरीके से बजट पर काम करे इसके 10 दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है, जिसमें उन्हें गाजर का हलवा खिलाया जाता है। पी चिदम्बरम द्वारा पेश की गई 1997-98 की बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक सुधारों की संख्या ज्यादा थी। आपको क्या लगता है, इस बार के बजट से फायदा होगा या नुकसान?